हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूँ चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी जो मिड रेंज वाला जो प्राइस ब्रैकेट था ना, उस मार्केट में तो मतलब सारे चाइनीज कंपनीज ने तबाही मचाई हुई थी और सब मस्त मस्त फोन लॉन्च किए हुए थे। पर यहाँ पर जो सैमसंग जो हमारा पुराना खिलाड़ी था इस प्राइस ब्रैकेट वाला, वो तो पता नहीं कुछ सुस्त सा पड़ गया था और फाइनली अपनी सुस्ती खत्म करते हुए इसने एक मस्त बवाल प्रोडक्ट लॉन्च किया है और एक नहीं बल्कि दो फोन लॉन्च किए अभी जनवरी 2019 में। और ये दो फोन्स हैं M10 और M20। अब ये दो लॉन्च के बाद ना लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल है कि ये दोनों फोन्स में से बेटर कौन सा वाला है और उनके हिसाब से कौन सा उसको लेना चाहिए। तो यही मैं आपकी दुविधा को ख़त्म करने आया हूँ और होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका ये कन्फ्यूजन है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और होपफुली आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे आ जाते हैं पॉइंट पर, M10 वर्सेस M20। ये जो है एक M सीरीज़ है, नई सीरीज़ है सैमसंग की। पहले मिड रेंज में सैमसंग का था एक J सीरीज़ और एक था ऑन प्राइम, ऐसे करके सीरीज़ था। ऐसे ऐसे बहुत सारे सीरीज़ थे और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। ऊपर से सैमसंग की ब्रांड वैल्यू तो शुरू से है ही, पर वो लैग वाला जो सिटी था हमेशा लैग सिचुएशन था ही। पर अब फाइनली यहाँ पर M सीरीज़ जो है आ गया और उन सारी सीरीज़ को बंद कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि थोड़ी कंफ्यूजन दूर होगी कि सैमसंग का आखिर कौन सा फोन लिया जाए। यहां पर आते सीधे सीधे कंपैरिजन पे, तो इंडियन मार्केट में ना सबसे पहले बड़ी बात है कोई भी दो फोन को कंपेयर करने की, उनकी प्राइस। तो M10 और M20 डेफिनेटली प्राइस में डिफरेंस है। M10 है, कम नंबर है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस कम है। इसकी जो प्राइस है ये चालू होती है 7,990 रुपये में। तो 7,990 रुपये का इसका वेरियंट है 2GB RAM और 16GB स्टोरेज वाला, जो कि एकदम बेस वेरियंट है M10 का। उसके ऊपर 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वाला भी एक वेरियंट है जो कि 8,990 रुपये का है। और भाई ये प्राइसेस ना बहुत ही गजब प्राइसेस है, मतलब अभी तक सैमसंग पता नहीं क्या कर रहा था। और इसलिए जो प्राइस के मामले में हमेशा चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स जो है यहाँ पर ले जाते थे अपना क्या बोलते हैं इनाम, पर यहाँ पर फाइनली सैमसंग भी आ गया है और समझ में आ गया उसको कि एम मिलेनियल्स को क्या चाहिए। बेसिकली एम का मतलब है मिलेनियल्स, यानी कि अभी की जो यूथ है उनके लिए है ये स्पेशली फ़ोन। उसके अलावा हम आते हैं M20 की प्राइसिंग में। M20 जो है वो चालू होता है 10,990 वाला, फिर थोड़ा हायर प्राइस रेंज वाला है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ी आपको बेहतर चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें आपको मिलता है बेस वेरियंट में ही 3GB RAM 32GB स्टोरेज और इसका एक ऊपर वाला वर्जन आता है 4GB RAM 64GB स्टोरेज वाला, और ये आपको मिल जाएगा 12,990 रुपये में। और ये जो प्राइस है ना काफ़ी ज़्यादा सही प्राइस है और एक्चुअली इंडियन मार्केट को ना इसी प्राइसेस पे फोन्स चाहिए। तो होपफुली सैमसंग इससे वापस अपने गेम में आ पाएगा, जो कि पहले राजा था इस गेम का सैमसंग ही, तो होपफुली वापस हमको देखने मिल जाएगा वही। उसके अलावा अब आते हैं यहाँ पर कि इसकी मेन कुछ की फीचर्स क्या है। तो M10 में आपको मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट और 3400mAh की बैटरी। तो यहाँ पर आपको 3400mAh काफ़ी सही है इस प्राइस ब्रैकेट पे। उसके अलावा M20 में आपको मिल जाता है USB Type-C, यानी 12,990 रुपये वाले फ़ोन में आपको USB Type-C मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा मस्त बात और क्या हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा गजब बात है कि यहाँ पर ये लोग USB Type-C ला रहे हैं इस प्राइस रेंज में, और मैन्युफैक्चरर्स को भी ऐसा करना चाहिए। और इसमें आ जाती है आपको 5,000mAh की बैटरी, तो मतलब ASUS ने चालू किया था ये मिड रेंज में 5,000mAh की बैटरी अभी रिसेंटली, और M1 में था, अभी M2 में है और अभी सैमसंग के M में भी है। और ये बहुत ही गजब बात है, 5,000mAh की बैटरी मतलब 2 दिन आराम से, और जो बहुत ज़्यादा हैवी यूजर्स हैं उनके भी 1.5 दिन आराम से लास्ट करेगी। दोनों में आपको जो डिस्प्ले देखने मिल जाएगी वो ये लोग बोलते हैं इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, ये और कुछ नहीं है बल्कि वही एक वो जो टीयर ड्रॉप वाला डिज़ाइन आपको OnePlus 6T वगैरह सब में देखने मिल जाएगा। रियलमी के जो फोन्स हैं सब में आपको आजकल वो टीयर ड्रॉप नॉच मिल रही है, या फिर आप रेडमी नोट 7 बोल लो, वैसी सेम यहाँ डिज़ाइन है। इसको ये लोग कह रहे हैं इन्फिनिटी वी, तो यही है। उसके अलावा ये जो दोनों फ़ोन्स हैं बिकेंगे Amazon इंडिया की तरफ से। उसके अलावा सैमसंग का जो ओन अपनी वेबसाइट है वो जो ई स्टोर बोलते हैं सैमसंग का ई स्टोर, तो इन दोनों के थ्रू आपको देखने मिल जाएगा। और उसके अलावा जो दोनों ही फ़ोन्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब इनको क्या बोलूँ, फीडबैक मिला, चाहे यूट्यूबर्स का कहें चाहे नॉर्मल पब्लिक का कहें, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ सैमसंग वापस मार्केट में आने का चांस है। दोनों आपको फ़ोन्स देखने मिल जाते हैं चारकोल ब्लैक और ओशन ब्लू कलर्स में, तो दोनों के दो दो कलर वेरियंट्स हैं, ब्लैक एंड वाइट को छोड़ के यहाँ पर ब्लैक और ब्लू सैमसंग किया, और मेरे ख्याल से ब्लू वाला जो है ना सबसे ज्यादा बेहतरीन दिखने वाला है, क्योंकि ब्लैक तो वही हो गया ना कॉमन कलर है।
और दोनों का जो सेल है वो अभी 5 फरवरी से चालू हो जाएगी, यानी और 6 दिनों में इसकी सेल्स चालू हो जाएगी। तो जैसी सेल्स चालू हो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है। वैसे क्यों है और आगे बताते हैं, अगले चीज़ पे जंप करते हैं जो कि है डिज़ाइन। और दोनों का डिज़ाइन अभी आप फोटोज़ में देख सकते हैं कि क्या है, हालांकि दोनों के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत माइनर सा है। अगर आप दोनों को बगल बगल में रखकर देखेंगे तो ही आपको इनका जो अंतर है वो डेफिनेटली दिखेगा। उसके अलावा तो अगर आप अलग अलग देखें एक टाइम पे एक दूसरे टाइम पे दूसरा तो भी आपको उतना फ़र्क नहीं पता चलेगा। पर दोनों में है, फ्रंट में है जैसा कि मैंने कहा इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। उसके अलावा यहाँ पे दोनों जो साइज़ है ना, जो फ़ोन का साइज़ है दोनों का सेम है। जो M20 है वो थोड़ा बड़ा है M10 से, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें आपको बड़ी बैटरी देखने मिल जाती है, एक थोड़ा बड़ा स्क्रीन भी है, मैं बताता हूँ आपको दोनों के बारे में। और उसके अलावा जो चिन है, दोनों में चिन आपको देखने मिल जाएगी नीचे सेम साइज़ की लगभग। M20 में थोड़ी सी छोटी चेन है, तो वो एक पॉइंट करने वाली बात है। और उसके अलावा जो दोनों फोन्स है, बहुत गजब चीज़ है कि जिसका सिम स्लॉट है ना वो ट्रिपल सिम स्लॉट है, यानी कि आप 2 सिम और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, तो यानी कि 3 चीज़ एक साथ। और जो माइक्रो SD कार्ड है वो आपको 512 GB तक की माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हैं, और दोनों में आप नैनो सिम्स लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मेमोरी एक्सपेंशन वगैरह कर सकते हैं। दोनों में आपको देखने मिल जाएगा पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यहाँ पर कुछ मैंने देखा था कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है थोड़ा सा रीच में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जिसके अगर थोड़े छोटे हाथ हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा रीच करना पड़ेगा वो फिंगरप्रिंट स्कैनर को टच करने के लिए, तो ये एक चीज़ है। दोनों में आपको देखने मिल जाएगा 3.5 mm का ऑडियो जैक, तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली हमको ऑडियो जैक चाहिए ही होता है। ये हो गई डिज़ाइन की बात। यहाँ पर दोनों में ही एक खास बात बता दो, दोनों में स्नैप वो नहीं है, गोरिल्ला ग्लास नहीं है, पर यहाँ पर एक ड्रैगन टेल ग्लास है, ये अलग है। और इसकी जो स्क्रैच रेजिस्टेंट है बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, इवन बोलते हैं कि गोरिल्ला ग्लास से भी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब आते हैं जनरल स्पेसिफिकेशंस पे। दोनों जो फोन्स हैं वो आपको देखने मिल जाएंगे एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पे, तो आउट ऑफ द बॉक्स हमको पाई देखने नहीं मिलता है, पर कंपनी का दावा है कि जल्दी आपको पाई देखने मिल जाएगा। और जो इनका ऑब्वियसली जो UI है वो तो आपको उसके ऊपर देखने मिलेगा, तो 8.1 ओरियो पे बेस्ड है इनका ये UI एक्सपीरियंस 9.5 UX। और ये जो UI है ये स्पेशली M सीरीज़ के लिए थोड़ी अलग है, तो मतलब मिलेनियल्स के साथ थोड़ा कनेक्ट करने के लिए, जैसा सैमसंग को लगा कि हाँ हमको चाहिए वैसे टाइप के कुछ डिज़ाइन है, कुछ अलग टाइप के आइकॉन्स वगैरह है। M10 में आपको देखने मिल जाएगी 2 इंचेस की HD+ डिस्प्ले, फुल HD नहीं है, यानी कि 720p तक का सब कुछ आपको चल जाएगा। उसके अलावा आपको जो एस्पेक्ट रेशियो वो मिलता है 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो। M20 में आपको देखने मिल जाएगी थोड़ी बड़ी 6.3 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले, यानी कि 1080p वीडियोज़ वगैरह सब चलेगी, और जो वो परमिशन चाहिए होती है नेटफ्लिक्स वगैरह पे मूवी स्ट्रीम करने के लिए तो वो भी सब है, और आप डेफिनेटली 1080p में नेटफ्लिक्स प्राइम जो भी है सब कुछ देख सकते हैं। और आपको जो इसमें मिल जाता है एस्पेक्ट रेशियो वो है 19:5:9 का, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि चिन वगैरह भी इसमें थोड़ी छोटी है, तो ये। उसके अलावा जो प्रोसेसर्स है दोनों में आपको सैमसंग के अपने प्रोसेसर्स देखने मिलेंगे। जो M10 है उसमें आपको मिल जाएगा इनका Exynos 7870 SoC, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, मतलब 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और इस प्राइस ब्रैकेट के सबसे अच्छे प्रोसेसर है। और मैंने यहाँ पे देखा है PUBG खेलते हुए, तो PUBG खेल के भी जो लोएस्ट सेटिंग है उसमें अच्छा चल जाएगा। M20 पे आते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा सैमसंग का Exynos 7904 SoC, और इस पर आपको जो इस फ़ोन की जो हाईएस्ट सेटिंग्स अलाउ करेगा PUBG उसमें आप स्मूथ चला पाएंगे। तो अगर आप 13,000-12,000 के फोन्स में अगर आप स्मूथ PUBG खेल पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मिलेनियल्स को काफ़ी है। और यहाँ पर बात करते हैं फाइनल जो एक और बड़ी बात है हम मिलेनियल्स के लिए, वो है इसका कैमरा। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जो प्राइमरी सेंसर है, पीछे 2 कैमराज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का F1.9 अपर्चर के साथ में, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल के लिए। ये जो है डेप्थ सेंसिंग तो करेगा ही, पर साथ साथ इसमें एक मस्त खूबी क्या है कि आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, यानी कि थोड़ी और जूम्ड आउट फोटो मिलेगी 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाली, तो यानी कि आप सेम पोजीशन पर खड़े होकर थोड़े और चीज़ों को कवर कर पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर एक यूजलेस सेंसर नहीं बल्कि एक काम का सेंसर मिल रहा है सेकंड वाला, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेल्फी के लिए यहाँ पे हमको मिलता है 5 मेगापिक्सल का F2.0 एपरेचर वाला कैमरा, तो 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और M20 में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल वाला, तो 5 मेगापिक्सल M10 में है, तो 5 और 8 बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको उतना नहीं पता चलेगा। बैटरी में आपको पहले बता ही चुका हूँ, M10 में है 3400 mAh की बैटरी, M20 में है 5000 mAh की बैटरी, तो बैटरी लाइफ आपको M20 की तो डेफिनेटली बेटर है ही। और मैं अगर इन दोनों में से एक चूज़ करूँ तो ऑब्वियसली M20
को ही चूज करूंगा, पर यहाँ पर आपने दोनों का कंपैरिजन देख लिया कि कितने डिफरेंस या कितने सेम चीज़ें हैं दोनों में, तो आप खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि दोनों को रेटिंग्स काफ़ी अच्छी मिली है। दोनों जो है पहले इंडिया में लॉन्च हुए हैं, तो ये फर्स्ट इन इंडिया इनिशिएटिव है सैमसंग का। और यहाँ पर बात करते हैं थोड़े और जनरल स्पेसिफिकेशंस की दोनों फ़ोन को कंपेयर करने के लिए। आपको M10 में जो है 4G सिम स्लॉट है दोनों पर, एक बार में एक ही में सिम 4G आप चला सकते हैं। हालांकि M20 में डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों 4G और 2 वोल्टी सिम्स आप एक साथ लगा सकते हैं, यानी कि 2 जियो का सिम कार्ड चलेगा और दोनों में आपको लग जाता है नैनो सिम। 4G वोल्टी का वैसे सपोर्ट दोनों में ही है, पर जैसा मैंने कहा M10 में सिर्फ एक बार में 4G सपोर्ट करेगा, वेरस M20 में 2 4G एक साथ में आप बिना किसी प्रॉब्लम के चला सकते हैं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक का बटन दबा के बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये पहली वीडियो आपकी, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में।